हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम लोग संविधान कब क्यों कैसे में ये पढ़ेंगे कि संविधान जो भारत का है उस संविधान ने क्या क्या विदेशों से लिया, यानी कि किस किस देश से कौन कौन सी चीजें भारत के संविधान में इंपॉर्टेंट रूप से जुड़ी हैं। इसमें आज का हेडिंग है विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान कौन से संविधान में, भारत के संविधान में विदेशों से बाहर के संविधानों से क्या क्या हमने ग्रहण किया है। इसमें पहला देश है ब्रिटेन। इसमें जो पहली चीज ली गई है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली। ये क्या है इसको हम समझते हैं। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली की यदि हम बात करें, देखिए एग्जांपल देखते हैं। चार उम्मीदवार ए बी सी और डी एक चुनाव में खड़े होते हैं। इसको मिले 10% वोट या 10 वोट, इसको मिले 11 वोट, इसको मिले 15 वोट और इसको मिले 25 वोट और टोटल वोट है 100। यदि हम देखें तो इसका जो जीत का प्रतिशत होता है किसी भी चीज को, तो वो होना चाहिए 50+1%, यानी कि आधे से एक ज्यादा। लेकिन यहां पर कोई भी इसके आसपास भी पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन एक को मिले सिर्फ 10% वोट या 10 वोट, लेकिन आपने देखा होगा इसके विरोधी कितने रह गए, 90 लोग इसके विरोध में हैं। दूसरे को मिले 11 वोट, लेकिन आपने देखा होगा 89 लोग इसके क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसको 15 मिले लेकिन विरोध में कितने हैं, 85। इसको मिले 25 लेकिन विरोध में कितने हैं, 75। यही इस प्रणाली की खूबसूरती है, यानी कि इस प्रणाली में सिर्फ एकमात्र चीज देखी जाती है कि पड़ोसी से एक ज्यादा होना चाहिए, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली कहलाती है। चाहे 10 उम्मीदवार हो, 20 उम्मीदवार हो, 50 उम्मीदवार हो, 2 उम्मीदवार हो, 1 उम्मीदवार भी हो सकता है। एक उम्मीदवार यदि इस प्रणाली में होगा तो स्वतः ही निर्विरोध जीत जाएगा, उसका कोई विरोधी होगा ही नहीं। यदि 2 उम्मीदवार है तो पड़ोसी से एक ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो 1% वोट ही क्यों ना हो। इसमें कोई निश्चित मापदंड नहीं होता कि आपको कितने प्रतिशत वोट चाहिए, केवल और केवल इसमें इतना चाहिए कि आपको पड़ोसी से एक ज्यादा लाना है। जैसे हमारे सरपंच के चुनाव होते हैं, जैसे हमारे सांसदों के चुनाव होते हैं, जैसे हमारे एमएलए के चुनाव होते हैं, ये सभी इसी प्रणाली से होते हैं। आपसे पूछा जाएगा, सवाल क्या आएगा, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, ये क्या होती है। तो सर्वाधिक मत जीत प्रणाली क्या है, भारत में ज्यादातर चुनाव किस प्रणाली से होते हैं, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली से ही होते हैं। इसका सिस्टम क्या है कि जितने उम्मीदवार होंगे उनमें सबसे ज्यादा जिसे प्राप्त होंगे, यानी कि निकट पड़ोसियों से एक ज्यादा या उससे बहुत ज्यादा, शर्त यही है सिर्फ एक ज्यादा आ जाए, उसके बाद कितने भी ज्यादा आए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, विजेता वही कहलाएगा। तो निकट पड़ोसियों से ठीक आगे होगा, क्या कहलाएगा, विजेता कहलाएगा। सिस्टम को दोबारा देखते हैं, 4 उम्मीदवार हैं, इनमें से ये प्राप्तांक है, पहले को 10 मिला, दूसरे को 11, तीसरे को 15 और चौथे को 25 मिला। तो विजेता इस प्रणाली में कौन हुआ, 25 उम्मीदवार। कौन बनेगा अब एमएलए, सांसद कौन बनेगा, सरपंच कौन बनेगा, 25 वाला बन जाएगा। इसकी कमी की बात करें हम साथ के साथ में, तो इसमें कमी ये है कि जितना समर्थन लोगों का मिला है उससे कहीं ज्यादा हम ये भी देखने को मिलते हैं कि इसमें विरोधी भी ज्यादा होते हैं। जैसे भारत में जो अभी सरकार चल रही है एनडीए की, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अंग्रेजी में नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका प्रमुख दल है बीजेपी, भाजपा जो 1980 में बना था, अभी आज सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास हैं। ये सरकारें भारत में जितनी भी बनती हैं केंद्र में, वो लगभग 35% से 40% वोट ही प्राप्त करती हैं। जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें बनी, केंद्र में जो सरकारें बनी, जैसे
पिछली यूपीए सरकार की बात करें तो टोटल दलों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार ही थी तो उसके पास लगभग 36% वोट थे। अभी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है लगभग 39% 39% के आसपास के वोट उसके पास हैं। अगर हम इसको राउंड फिगर में 40 भी करते हैं तो 60% वोट कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के क्या है, विरोध में है या अन्य दलों के पास हैं। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, कमी है कि 60% का नेतृत्व ये चीज प्रणाली नहीं करती और एक बहुत छोटे से 40% वाले का नेतृत्व ये प्रणाली कर देती है। इसमें भी देखें तो 25% वालों का शासन आएगा, 75% वालों की कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन एमएलए सबका होता है, जीतने के बाद सबके काम करता है तो एक अलग चीज निकल कर आती है। ये प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कानून की समानता, ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से ही लिया। आपने पहले की वीडियो में स्पष्ट कर लिया है, पहले की वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं हम लोग कि भारत में पक्षपात, द्वेषतापूर्ण राजनीति और सबसे बड़ी बात भेदभावपूर्ण राजनीति थी। जब हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन चले, जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा ली, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि जो जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, अंग्रेजों के शासन के समय, उन चीजों को हम लोग किसमें हटाएंगे, आजादी के बाद जो संविधान बनेगा उसमें हटा देंगे, ताकि ये समस्या आजाद भारत में हमारे सामने नहीं आए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमने जोड़ी कानून के समक्ष समानता। इस समानता का फायदा क्या है कि भारत में राजा हो या रंक, एक समान है। भारत में समान अपराध के लिए समान सजा है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे विशेष हो, चाहे मूल आदमी हो, आम आदमी हो, सबके लिए सजा कैसी है, बराबर बराबर सजा का प्रावधान किया गया है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब यही है। कानून जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, इन सबको नहीं देखता। कानून ये देखता है कि वह भारत का नागरिक है और इसने ये सजा की है, इसने ये कानून तोड़ा है, संविधान में इसके लिए इस सजा का प्रावधान है और हम इसके अकॉर्डिंग इसको ये सजा देंगे। भारत में सजा देने का प्रावधान न्यायालय के द्वारा स्थापित किया गया है, सजा देने का कार्य केवल न्यायालय ही करता है। तो ऐसे में कानून की समानता, कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, बिना भेदभाव सबको साथ लेकर चलेगा, बिना पक्षपात सरकारी योजनाएं आएंगी, ये सब कानून की समानता को दर्शाता है। जैसे इसमें और उदाहरण हम देखें कानून के समक्ष समानता, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब में बिना भेदभाव के सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलने वाला है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं गवर्नमेंट के, उसमें सबको बराबर के हिस्सा मिलने वाला है। जितने भी ये सरकारी स्कूल्स हैं उसमें भी सबको बिना भेदभाव के हिस्सा मिलने वाला है। तो ये कानून के समक्ष क्या है, समानता है। गवर्नमेंट की सभी चीजों या कानून के नजरों में सब क्या है, सब बराबर है। फिर है विधायिका का अध्यक्ष व उसकी भूमिका। हम जानते हैं विधायिका को हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विधायिका क्या है, संसद कहलाती है, विधायिका क्या है, व्यवस्थापिका कहलाती है, और विधायिका नाम इसका है ही। तो ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। अध्यक्ष चुना जाता है इसलिए क्या है, गणराज्य कहलाता है। इसके बाद कानून निर्माण की विधि, कानून निर्माण की विधि भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। और कानून निर्माण का प्रमुख कार्य भारत में किसके पास है, संसद के पास है। सवाल आता है, 12th बोर्ड में भी एक बार सवाल पूछा गया था कि कानून संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, रूल डेवलपमेंट किसका कार्य है, संसद का सबसे पहला कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके
कैसे होता है इसका एक एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में देता हूं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी आएगा। हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप जिस सदन में चाहे पहले ले जा सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा में। कानून निर्माण से संबंधित दोनों सदनों को, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो राज्यसभा में लेके जाएंगे तो लोकसभा में आ जाएगा, लोकसभा में लेके जाएंगे तो राज्यसभा में आ जाएगा। हम लेके चलते हैं लोकसभा में। इसमें तीन वाचन होंगे। पहला तो जैसे ही हम विधेयक लेके आएंगे, उस विधेयक को यदि सदन के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया, तो पहला वाचन हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा वाचन होगा, इस पर कानूनी राय होगी, बहस होगी और वोटिंग होगी, और क्या होगी, वोट भी इस पर डलेंगे। एक कानूनी समिति भी बनेगी जिसका नाम है प्रवर समिति, जो संविधान के रूल रेगुलेशन को देखेगी। तीसरा इसमें होगा शब्दों से संबंधित, भाषा से संबंधित, अशुद्धि संबंधित। इस प्रकार से तीन स्टेप्स इस कानून के होते हैं। तीन वाचन कह लो, तीन स्टेप कह लो, तीन बार प्रक्रिया कह लो, या तीन तरीके के चरण कह लो। सबसे पहले कोई भी विधेयक लाया जाएगा जिससे कानून बनाना है, यदि सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो पहला चरण यहां पर हो गया कंप्लीट। दूसरे चरण में क्या क्या होगा, कानूनी राय ली जाएगी, कानून से संबंधित मुद्दों को देखा जाएगा, बहस होगी, कमियां निकाली जाएंगी, अच्छाइयां गिनाया जाएगा और बहुत सारी चीजें इस पर हो जाएंगी। उसके बाद एक समिति बनाई जाएगी जिसका नाम है प्रवर समिति। ये प्रवर समिति क्या कार्य करती है, कानून संबंधी मामलों को ये देखती है कि कानून से जुड़े हुए किसी चीज का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस समिति की क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर भी क्या होगी, बहस, और अंत में क्या होगा, वोट पड़ जाएंगे। अगर यहाँ पास होता है तो पास, नहीं तो ये यही रुक जाएगा। हर चरण में पास होना क्या है, जरूरी। तीसरे चरण में अगर कानून विधेयक आता है तो उस पर हम ये देखेंगे कि शब्द शुद्धि तो नहीं है, दो अर्थ तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाला मामला तो नहीं है। यहां से पास होने के बाद ये कहां चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा, यहां भी वोटिंग होगी। राज्यसभा में भी सेम तीनों चरण चलेंगे, एज इट इज, ऐसे कैसे ही होगा। और तीनों चरणों में कोई से भी चरण में इसको रोका जा सकता है। यहां से पास होने के बाद ये मामला जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति यदि इस पर साइन कर देते हैं तब तो मामला ये यही समाप्त और विधेयक क्या बन जाएगा, कानून। सवाल आता है कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाने के बाद। उससे पहले कोई कानून नहीं बनता है। तो लोकसभा के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा, और फिर कहां जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास। यदि राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए तो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून। यदि नहीं किए तो पुनः इसे लौटाया जा सकता है। पुनः लौटाने पर क्या क्या शर्तें होंगी, सेम भी हो सकता है कि लोकसभा वापस यही प्रक्रिया अपनाए, राज्यसभा यही प्रक्रिया अपनाए और फिर से भेज दे, या एज इट इज ही बिना चेंज किए ही भेज दे, या कुछ संशोधन करके भेज दे। कुछ किस तीनों में से कोई सी कंडीशन भी हो सकती है, या तो सेम प्रक्रिया अपना ले, या कुछ चेंज कर ले, या बिल्कुल भी चेंज ना करे। लेकिन दोबारा जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन बचेंगे। पहला, या तो वो हस्ताक्षर कर दे या फिर अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हर हाल में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो ब्रिटेन से हमने ये मोटी मोटा चार चीजें ली। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फास्ट पोस्ट डेथ सिस्टम, पास्ट पोस्ट द सिस्टम, यह अंग्रेजी में इसका नाम है। कानूनी समानता, विधायिका के अध्यक्ष और उसकी भूमिका, और कानून निर्माण की विधि। विधायिका में हम संसद कहते हैं इसको, और व्यवस्थापिका, और दोनों ही बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं।
इसमें अगला प्रावधान देखें तो यह है आयरिश संविधान, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति के निर्देशक तत्व, नीति के निर्देशक तत्व। ये नीति के निर्देशक तत्व वास्तव में जिम्मेदारी प्रदान करते हैं किसको, राज्य को। ये राज्य को जिम्मेवार बनाते हैं कि वह कार्य करे, और ये भारत के संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। प्रावधानों में हम आगे की बात करें तो अगला जो देश है जहां से हमने लिया है कुछ ना कुछ संविधान में, तो वो देश कौन सा है, आयरलैंड है। यहां से हमने क्या लिया है, नीति के निर्देशक तत्व। शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें सवाल ना पूछा गया हो। हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वास्तव में ये है क्या, ये कल्याणकारी होते हैं। इनका अर्थ क्या है, लोक कल्याण करना। इनका अर्थ क्या है, लोक कल्याण करना। इनका उद्देश्य क्या है, भविष्य की सरकारों का मार्गदर्शन करना, भविष्य की सरकारों का मार्गदर्शन करना। यानी कि जो भविष्य में सरकारें बनेंगी उनकी जो योजनाएं बनेंगी वो किसको ध्यान में रखकर बनानी होंगी, नीति के निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनानी होंगी। राज्य के लिए जिम्मेवार, राज्य को ये जिम्मेदारी देती है, राज्य को ये कार्य देती है कि राज्य कार्य करेगा किनके द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों के आदेशा अनुसार। ये कहां से कहां तक है, 36 से 51 अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक किससे संबंधित है, नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। लोक कल्याण करना, लोक कल्याण का मतलब जनता के हितकारी बातें किसमें होती हैं, नीति के निर्देशक तत्वों में होती हैं। फिर भविष्य की जो सरकारें हैं उनका मार्गदर्शन करना, सवाल आता है नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण क्या है या इनका उद्देश्य क्या है, तो ये है भविष्य में जो सरकारें बनेंगी उनका मार्गदर्शन करने का काम। यानी कि सरकारें इनको देखकर पॉलिसी निर्माण करेंगी, सरकारें भविष्य में जो योजनाएं बनाएंगी वो किसको ध्यान में रखकर बनाएंगी, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा, जनता का कल्याण होगा। सवाल क्या क्या बने, आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो नीति के निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दूसरा, नीति के निर्देशक तत्व किसको जिम्मेदारी देते हैं, राज्य को जिम्मेदारी देते हैं, किसके प्रति, जनता के कल्याण के प्रति। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के संविधान में कहां मिलता है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक क्या है, नीति के निर्देशक तत्व है। ये किस प्रकार के हैं, लोक कल्याणकारी हैं, और इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण करना, भविष्य की जो सरकारें हैं उनको रास्ता दिखाना कि किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा कार्य जनता के हित का है, कौन सा कार्य जनता के हित का नहीं है, या यूं कहें कि जो भी समाज की उचित और विधि के अनुसार कार्य है उन सब का उल्लेख यहाँ किया गया है। हम इस साल कुछ नीति के निर्देशक तत्वों का आउटलाइन पढ़ेंगे, 12th में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में पूरी तरीके से है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दोनों डिटेल से हमें पढ़ने हैं।